2020 के पहले दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन है। इस मौके पर बीते दिनों मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर के पीसी सेठी अस्पताल पहुंचकर मरीजों के बीच केक काटकर उनका जन्मदिन अग्रिम रूप से मनाया गया। तुलसी सिलावट ने यहाँ केक काटा और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। सिलावट ने खुद अपने हाथों से मरीजों को केक भी खिलाया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 1 जनवरी को जन्मदिन है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन मनाते हुए उन्हें जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी और कहा कि इस कड़ाके की ठंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए हैं ताकि इन्हें ठंड से राहत सके। सिलावट ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब भी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी निष्ठा से निर्वहन किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन जो हमारी अपनी संस्कृति में नया साल आता है उस दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन्मदिन है। कुछ तरुण ने मंजूर वेग के साथ उन्होंने भावना व्यक्त की कि गरीबों के बीच में ये कंबल बांटे जाएं, इसी भावना को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर इससे अच्छा स्थान समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग इलाज के लिए आता है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यापन करता है, या गरीब आता है, मजदूर आता है, दलित आता है, सारे वर्ग के लोग आते हैं। इसे वर्गों में हमारी सबसे ज़्यादा हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ आती है, माँ शक्ति आती है। इसलिए एक पवित्र काम मंजूर बेग के नेतृत्व में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी ये सोच है, ये संकल्प है कि समाज की सेवा उस व्यक्ति की करो जो समाज का अंतिम व्यक्ति है। इसी भावना को लेकर ये कम्बल और वो टाली, हमने 4 टाली पीसी सिटी अस्पताल को भेंट की है। उसके पीछे भी यही धारणा है, जो हमारा मरीज आता है उसको आने जाने में तकलीफ होती है, एक प्रतीक बनेगी, एक सहारा बनेगी कुछ समय के लिए। अरे क्यों जड़िया जी, ये आपको पता है कि मैंने पूर्व जो वरुण कपूर जी थे उनसे मेरी बात हो गई थी। उस दिन सुरक्षा की दृष्टि से रोज शाम को पुलिस आती है या भेटती है अति शीघ्र, क्योंकि उनका कहना पड़ता है कि हम पूरी व्यवस्था सुरक्षा गारंटी, क्योंकि एक गली छोड़ो तो थाना है, पुलिस चौकी नहीं थाना, संगीतागंज थाना है। उनका ये धारणा है कि अब इनको कोई भी सुरक्षा में कमी नहीं आने दी जाएगी। एक तो ये नहीं, ऑक्सीजन की बात वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा संकल्प है, मैं पूरे करने में लगाऊँ और करूँगा। आपने बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी संजीवनी, लेकिन उसमें अभी दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी डॉक्टर 25,000 के वेतन पे मान नहीं जाए। आपको ये पता नहीं है उसकी बढ़ा दी है हमने राशि आपको, क्योंकि वो बार बार यही बोल रहे ना कितने कम में कैसे होगा। अब आप बताओ, मध्य प्रदेश के अंदर पहला प्रयास है, कोई भी हम प्रयास करो, कोई भी प्रयत्न करो, कोई भी कोशिश करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। भविष्य इसी का नाम है, अभिलाषा रखो, इच्छा रखो, जो कमी है उन सारी कमियों को हम अति शीघ्र करेंगे। हमने, मुझे मालूम है 7 दिसंबर को हमने ये संजीवनी क्लिनिक पूरे मध्य प्रदेश में पहले चरण में 88 हमने स्वीकृत की है, पर धीरे धीरे हम कोशिश करना है कि इसको एक जो भावना, इसका मूल उद्देश्य है जो समाज का वो तबका, मोहल्ले में, वार्ड में जो कहीं घटना दुर्घटना हो जाती है, आपको मालूम है 200 OPD हो रही है वहाँ पहली संजीवनी में, और अब मैं 6 नंबर विधानसभा में, 1 नंबर में, 5 नंबर में, 2 नंबर में और देपालपुर जो उनका शहरी इलाका है, अति शीघ्र मैं तभी खोलूँगा जब सारी व्यवस्थाएं, डॉक्टर हो, स्टाफ नर्स हो, NM हो, फार्मेस्ट हो, ये सारी सुविधा उपलब्ध हो जाए, फिर खोलने का प्रयास करूँगा। मैं कोशिश में तो आपको धन्यवाद देता हूँ, आप मुझे सचेत करते हो, जागृत करते हो। बाकी मैं ये रास का जो चौथा स्तंभ है, हमारी कमियों को इसी प्रकार से बताता रहे, हम जैसे जो जन सेवक हैं, जिसकी हमारी सोच, जिसकी हमारी कल्पना है कि हम सेवा करें, और जहाँ सेवा में कुछ कमी होती है तो मैं आपके माध्यम से जो कमी को
पूरा करने का प्रयास करता हूं। मैं आपका भी आभारी हूं। हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व केंद्रीय मिनिस्टर माननीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के 1 जनवरी को जन्मदिन पूरा देश में बड़े सादगी के साथ मनाया जाता है, और हमने भी आज निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सम्मानित तुलसी सिलावट जी की मौजूदगी में एक शासकीय हॉस्पिटल पीसी सेटी हॉस्पिटल में स्ट्रेचर और कंबल गरीबों के बीच में हमने वितरण किए, क्योंकि कभी भी कोई जन्मदिन या खुशी का मौका होता है उसमें गरीब को जरूर शामिल करना चाहिए। इस कारण हमने आज गरीबों के बीच में श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी का जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ और गरीबों के साथ यहाँ तुलसी सिलावट जी की उपस्थिति में मनाया।